बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू PPR पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी PPS ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, मतलब आप जो जितने सारे स्कूल हैं इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे उनके लिए गाइडलाइन WBBSE की तरफ से दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए कि आप कैसे ऑनलाइन PPS और PPR फिलअप करेंगे, उसके लिए क्या गाइडलाइन है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले देखिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट WBBSEDATA.com पे जाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ विजिट द इंस्ट्रक्शन पेज बिफोर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन एंड रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, लॉगिन पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज पे जाने के लिए आपको क्या बोलेगा, यहाँ आपका यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होता है ये इंस्ट्रक्शन में डिटेल दिया हुआ, मैं इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ यहाँ पर। नंबर वन पोस्ट पब्लिकेशन, यहाँ पे अब स्टेप वन क्या है, सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट है www.wbbseedata.com पे जाना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे वंस यू गेट द होम पेज क्लिक लॉगिन पेज लॉगिन इनटू योर स्कूल डैशबोर्ड। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है देखिए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होता है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ देखिए क्या बोला जा रहा है। यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज़ इंटर योर स्कूल इंडेक्स, आपका जो इंडेक्स होता है स्कूल का इंडेक्स वो देना है। अल्फ़ा वुड बी इन कैपिटल लेटर एंड इंडेक्स वुड बी विदाउट एनी हाइफन और स्पेस। जैसे सबसे पहले जो लेटर होगा अल्फाबेट अल्फ़ा लेटर वो कैपिटल में होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल लेटर में होगा और उसमें कोई स्पेस नहीं होगा, वही बोला जाता है। इन द पासवर्ड फील्ड एंटर द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एज पासवर्ड ऑल इन स्मॉल लेटर्स विदाउट एनी स्पेस एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। जो आपका इंडेक्स होगा आपने समझ लिया, इंडेक्स को लिखना है बिना हाइफन बिना स्पेस का, अल्फ़ा को खाली कैपिटल लेटर में लिखना है और पासवर्ड भी वही होगा उस सबको, पासवर्ड को ऑल इन स्मॉल लेटर बिना स्पेस के देना है। फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है, स्कूल का पेज प्रोफाइल में रिडायरेक्ट ले जाएगा और रिडायरेक्ट करने के बाद से आपको देखिए इस तरह का पेज आएगा, अपडेट प्रोफाइल बोल के एक पेज आएगा। उस पेज में आपको जो भी हेड मास्टर है टीचर इंचार्ज है उनका नाम लिखना होगा, उनका ईमेल एड्रेस देना होगा, उनका नंबर देना होगा और फिर सेव पे क्लिक करना होगा। वो ये प्रोसेस कर लेंगे, फिर करने के बाद से फिर क्या होता है अगला स्टेप, उसके बाद वाला स्टेप में क्या होता है रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ओल्ड पासवर्ड जो पहले आपने पासवर्ड टाइप किया था वो फिर से अपना मन से नया पासवर्ड दो बार टाइप करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे और रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप पासवर्ड को बदल लेंगे। ठीक है, यह पासवर्ड को बदल लेंगे इस तरह से, स्टेप फोर हुआ। फिर स्टेप फाइव में अपने पासवर्ड को चेंज करना सीखा यहाँ से। फर्स्ट टाइम उसके बाद से आपको क्या करना होगा, आपका डेस्क बोर्ड आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर में क्या होगा, जो स्टूडेंट का डेस्क बोर्ड शोज अ लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ योर स्कूल, जो माध्यमिक परीक्षा में अपीयर हुए हैं उनका नाम उनका रोल नंबर सब कुछ दिखेगा। वहाँ पे PPS और PPR का बटन भी होगा, हैव पास देन अ PPS बटन इज शॉन एल्स अ PPR बटन इज शॉन। ठीक है, वहाँ पे सब शो होगा, आप उस डिटेल पेज होगा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ एग्जांपल के जरिए समझाया जा रहा है। देखिए रोल है नेम है PPS PPR है और यहाँ पे सब्जेक्ट काउंट इस तरह से यहाँ पे शो करेगा। आपको रोल नंबर के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं। एन कैपिटल होगा वहाँ पे देख रहा, वेयर द एन इन द रोल नंबर, एन मीन्स नंबर वुड बी इन कैपिटल एंड एंटायर रोल नंबर वुड बी विदाउट एनी स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर, बिना स्पेस बिना स्पेशल कैरेक्टर के होना चाहिए यही बताया जा रहा है यहाँ। ठीक है, उसके द्वारा आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पर सर्च किया जा रहा है, देख रहे हैं सर्च बटन पे क्लिक करेंगे रोल नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा और वो क्या कराना चाहे PPR या PPS है वो आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट फिलअप करने के लिए अगला बटन में जाएंगे क्या क्या सब्जेक्ट देना है। उसके बाद सिक्स नंबर में देखेंगे आप रोल नेम, फिर
सेलेक्ट रिव्यू सब्जेक्ट, मतलब जो PPS है या PPR है, कौन सा सब्जेक्ट रिव्यू करवाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जो जो पेपर उनको रिव्यू करवाना है वो क्लिक करेंगे, उसके लिए ₹50 चार्ज होगा, जो वहाँ चार्ज होगा, जो इतना सब्जेक्ट होगा वो करेंगे। बॉक्स को क्लिक करना है, या जो बॉक्स है उस पर टिक करना, जो जो पेपर का आपको PPR या PPS जो शो करेगा उसमें, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, इस केस में क्या शो कर रहा है, ठीक है, PPR शो कर रहा है, तो जो जो सब्जेक्ट करवाना है उस पर टिक करते जाएंगे। करने के बाद से सबमिट बटन पे सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाला प्रोसेस क्या करना है आपको, स्टेप 7 में क्या होगा, आफ्टर द PPR PPR एप्लीकेशन आर मेड फॉर द रिक्वायर्ड कैंडिडेट, क्लिक ऑन द सबमिट फाइनल डेटा बटन ऑन द बॉटम ऑफ द डैशबोर्ड। देखिए यहाँ पे जब हो जाएगा तो फाइनल सबमिट बटन, फाइनल डाटा है, यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको क्या करना है, ऑन क्लिकिंग द फाइनल सबमिट बटन द डेटा वुड बी लॉग, नो फर्दर चेंज कैन बी मेड। एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे तो कोई डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सबमिट करने से पहले आप लोग सब कुछ रीचेक कर लेंगे दोबारा, ठीक है। ऑन क्लिकिंग द सबमिट फाइनल डेटा बटन यू आर रिडायरेक्ट टू द स्कूल समरी पेज, तो स्कूल का समरी पेज कुछ ऐसा होगा, देख सकते हैं आप, इस तरह से यहाँ पे आपको शो किया जाएगा, ठीक है। नेम होगा कैंडिडेट का, कौन कौन सब्जेक्ट PPR या PPS क्या अप्लाई कर रहा है वो दिखाएगा, कितना अमाउंट है वो सब शो करेगा। फिर यहाँ से आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे स्कूल। फिर उसके बाद स्टेप 8 में क्या होगा, रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे, समराइज रिपोर्ट ऑफ द स्कूल PDF फॉर्म में। नाउ क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन टू डाउनलोड द चालान, उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि 9 नंबर स्टेप में क्या है कि चालान को डाउनलोड करने के लिए, अब देखिए चालान दो तरह का, एक SBI का होगा, एक अदर देन SBI, तो उसके लिए यहाँ पे जो SBI बैंक का चालान है उस पर अगर SBI से करना चाहते हैं तो SBI पे क्लिक करेंगे, आप दूसरे बैंक से करना चाहते हैं तो अदर देन SBI पे क्लिक करेंगे। फिर इफ़ यू पेड द अमाउंट प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द चालान, अमाउंट कितना पेड किया, फीस रेमिटेड एट डेट देना है, ट्रांजेक्शन का जो ID होता है UTR ID वो देना है, यहाँ पे वही चीज़ को लिखा गया, ठीक है। प्रिंट द चालान एंड डिपॉजिट द फीस इन द बैंक ऑफ योर चॉइस, जो बैंक आप चूज़ करेंगे उसी बैंक में चालान को चूज़ करके फिर जाकर उसी बैंक में जाकर वो पैसा जमा करना पड़ेगा। जब डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा, आपको स्टैम्प मिल जाएगा, वो चालान को फिर लाना है और फिर ला करके स्कूल में ही देना है, और स्कूल वाले उसको 200 से कम KB में JPG या PDF फॉर्मेट में उसको स्कैन करके वो वहाँ पे अपलोड करेंगे। वो ऑप्शन कुछ ऐसा रहेगा, जब आप लोग जो भी बैंक का चालान लेंगे, SBI दूसरे बैंक का, अदर SBI देन SBI, वो चालान ले करके फिर जाके उस बैंक पे पैसा जमा करेंगे, जमा करने के बाद वो जो स्टैम्प होगा उसको स्कूल में लाएंगे, स्कूल में ला करके फिर उसको 200 से कम में PDF या JPG फॉर्मेट में उसको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ये है अमाउंट कितना था, डेट क्या था, फिर ट्रांजेक्शन UTR ID, फिर चूज़ फाइल बोल के क्लिक करना, जो स्कैन आपने किया होगा ये JPG फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में, उसमें वो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जहाँ पर आपका फाइल रखा होगा उसको वहाँ से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आई हेयर डिक्लेयर दैट, ये इस पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट बटन पर सबमिट करेंगे, ठीक है। बात याद रखना ये कि जो स्कूल समरी ऑफ द स्कूल इज जनरेटेड, एक बार समरी स्कूल का समरी जनरेट हो गया तो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोई अलाउ नहीं है, यही यहाँ पे बुलाया जा रहा है या बताया जा रहा है। देखिए ये समरी का मतलब ये, कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे दिखाया जा रहा कि आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया, कितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया, जैसे यहाँ पे इसका रोल नंबर ये है, तोतन दास नाम है, PPR के लिए अप्लाई किया, 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया, ये सब दिखाया जा रहा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन यही है कि 17 जून के बाद ये नहीं होगा, 17 जून तक ही लास्ट डेट है, और अगर कोई इंस्टीट्यूशंस अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसका जो बोर्ड अथॉरिटी है उससे वो कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और बिना प्रॉपर चालान अपलोड किए, ट्रांजैक्शन आईडी ये सब नहीं देंगे, चालान अपलोड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा ना कि एप्लीकेशन फॉर द स्कूल वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, उस स्कूल का एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये था स्कूल के लिए नोटिस कि किस तरह से स्कूल अप्लाई करेंगे पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू यानी PPR और PPS के लिए। ये मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन बताया है और इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।